स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डायगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत। वायरलेस सीसीटीवी कैमरा, मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाए, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड, सनोली रोड, पानीपत। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया दीपावली का पावन पर्व। जन सेवा दल ने 450 गरीब परिवारों को निशुल्क राशन किया वितरित। शराब की लत लगने से ईदगाह रोड निवासी का बिगड़ा मानसिक संतुलन, फांसी का फंदा लगाकर दी जान। मिट्टी के दिए पर चाइनीज लाइटों का पड़ा बुरा असर। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आने वाले दीपावली पर्व को लेकर किया कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। न्यू हाउसिंग बोर्ड में स्थित गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने स्कूल के प्रांगण में दिए और मोमबत्तियां जलाई। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में बच्चों ने दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। बच्चों ने पहले स्कूल प्रांगण में दिए और मोमबत्तियां जलाई। इस दौरान बच्चे भगवान श्री राम के गीतों पर नृत्य भी किया। कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन SP बंसल और प्रधानाचार्य रेणुका ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और बच्चों को दीपावली के महत्व के बारे में भी अवगत करवाया। इस दौरान चेयरमैन SP बंसल ने बच्चों को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। हमेशा से ही गरीबों की सहायता करने वाले जन सेवा दल ने गरीबों और असहाय लोगों को आज राशन वितरित किया। सिविल अस्पताल में करीब 450 परिवारों को जन सेवा दल ने मुफ्त में गेहूं और चावल बांटे। आज जन सेवा दल ने एक बार फिर सिविल अस्पताल में करीब 450 परिवारों को मुफ्त राशन वितरित किया, जिसके बाद राशन ले चुके लोगों में एक अलग सी खुशी नजर आई। वहीं जन सेवा दल के सदस्यों का कहना है कि लोगों को खुशी देकर खुद को खुशी मिलती है और किसी गरीब को खाना देने से हम पुण्य के भागी भी बन सकते हैं। इस दौरान चिमन लाल गुलाटी, कपिल मल्होत्रा, अशोक कपूर, यश बग्गा, राजू मनोचा, विनीत कुमार सहित जन सेवा दल के तमाम सदस्य मौजूद रहे। जन सेवा दल में जैसा कि हर महीने सबसे पहले रविवार को सत्संग किया जाता है, सत्संग के बाद सभी को लंगर खिलाया जाता है, उसके पश्चात 450 विधवा ऐसा है गरीबों को राशन वितरित किया जाता है, जिसमें 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल सभी को दिया जाता है। जन सेवा दल ये कार्य है कम से कम 40 वर्षों से कर रहा है। इसमें जन सेवा दल के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करते हैं। सबसे पहले सुबह सभी को ब्रेड, चाय, नाश्ता दिया जाता है, दोपहर को खाना दिया जाता है, शाम को खिचड़ी, दूध। उसके उपरांत सभी को जैसा भी दवाई की जरूरत होती है दवाई उपलब्ध कराता है, किसी को रक्तदान की जरूरत होती है ब्लड ग्रुप कराता है। तो आज के इस राशन वितरण का कार्यक्रम हमारे स्वामी विश्वजीत जी की प्रेरणा से चल रहा है। ईदगाह रोड निवासी बाबू राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
ईदगाह कॉलोनी वासियों का कहना है कि बाबूराम को शराब की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था और उसने अपने आप को फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ईदगाह कॉलोनी निवासी बाबूराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाबूराम की उम्र 32 साल थी और उसे शराब की लत लग गई थी। वहीं ईदगाह कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में ही लोग नकली शराब बेचते हैं, जिस कारण बाबूराम और कुछ अन्य युवकों को भी शराब की लत लग गई थी, जिस कारण बाबूराम कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था और बीते दिन बाबूराम ने अपनी दर्जी की दुकान में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कल 6 बजे उसने अपनी दुकान दर्जी का काम करता था, अपने मानसिक संतुलन बिगड़ने से उसने अपनी दुकान का शटर बंद किया और 5:45 बजे फांसी लगाई। जब किसी ग्राहक ने उसका शटर खोला तो वो फांसी पे लटका हुआ निकला। नाम था बाबूराम जी। कल शाम को समय करीब 7 PM पर हमारे को सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि बाबूराम सुरभ दूधनाथ ईदगाह कॉलोनी पानीपत ने ना दिमागी रूप से परेशान होने के कारण फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये सूचना पर हम सरकारी अस्पताल पहुँचे हैं, वहाँ पर उसका भाई रोहित मिला है। उसने अपना बयान में अंकित कराया कि उसका भाई है ना कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान रहता था। उसने वो टेलर की दुकान करता था, सिलाई का काम करता था, अपनी ही दुकान में उसने ना कल शाम को करीब 6 PM पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। उसका रोहित का बयान लेकर के कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के त्योहार के नजदीक आने के साथ ही बाजारों की रौनक देखने लगी है, तो वहीं बाजार सजने लगे हैं और लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में आने लगे हैं, तो वहीं मिट्टी के दिए और चाइनीज लड़ियों से पूरा बाजार भरा पड़ा है। लेकिन चाइनीज लड़ियों की वजह से मिट्टी के दिए के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। दीपावली दीपों का त्योहार है, लेकिन समय बदलने के साथ आधुनिकता दीपों के इस त्योहार पर दिखाई देने लगी है, तो बिजली की चाइनीज लाइटों ने दीपों के प्रचलन को काफी हद तक प्रभावित किया है। सस्ते दामों से मिलने वाली चाइनीज लड़ियों के आगे मिट्टी के दीयों को जलाना काफी महंगा साबित होता है, जिसके चलते लोग लड़ियों और अन्य प्रकार की लाइटों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि मिट्टी के दीयों की मांग लगातार कम हो रही है और इन्हें बनाने वाले कुम्हार भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। पुराने समय में लोग तेल और देसी घी के दिए जलाकर खुशी मनाते थे, लेकिन बदलते समय के साथ सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। कुमारों का कहना है कि पानीपत के आसपास मिट्टी नहीं मिलती, उन्हें मिट्टी बाहर से मंगानी पड़ती है जो काफी महंगी पड़ती है। रही सही कसर चाइनीज लड़ियों ने निकाल दी है, लोग ज्यादातर चाइनीज लड़ियों को पसंद कर रहे हैं। कुमारों का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तैयारी कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं जी, जोरों से चल रही है। कुछ बारिश आने के कारण तैयारी रुक गई थी बीच में, उसके बाद मिट्टी भी गिली होनी ना मिट्टी मिली थी, अब फिर मिट्टी मिली है, दोबारा से तैयारी कर रही है, जोर शोर से चल रही है। अब तक कितने दिए तैयार हो चुके हैं? अब से कम से कम 3 लाख दिए थे, बना चुके हैं जी। शहर में कितने ऐसे आपके शहर में जुड़ते हैं? हमारी बिरादरी कम से कम 150 घर है जी जो ये काम करते हैं। परेशानी सर मिट्टी की परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है, मिट्टी है ही नहीं अपने हरियाणा में। मेरे परिवार में 8 बंदे हैं जी, बच्चे भी आ ली उसमें, बहू भी आ ली, मेरी मिसेज भी आ ली। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आने वाले दीपावली पर्व को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ता लक्ष्मी चंद ने की। आज पानीपत जिले का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि भाइयों ने मेरे को बनाया है। आज मेन एजेंडा है पार्टी का प्रचार प्रसार करना, तो पार्टी के 5 मुद्दे हैं, 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, मनरेगा में किसान मजदूर को जोड़ना, राज्यसभा खत्म करना, और हमें जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उसको 5,000 रुपया करने का हमने वायदा किया है। भगवान ने मौका दिया, वो हम पूरा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। चुनाव को लेकर क्या तैयारी? जींद में बहुत जल्दी उपचुनाव होने जा रहा है, पार्टियां ने पूरी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली होंगी। हमने सबसे ज़्यादा हमारी तैयारी है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। देखिए आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा
और आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत की ओर से सभी शहरवासियों को जो दीपावली का पर्व है उसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं कि जात पात के जहर से दूर रहें, नशा से दूर रहें और उत्तम चरित्र अपनाएं। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा आपको खुशहाली दें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दीपावली सबके लिए शुभ हो और जीवन में उन्नति आए, ऐसी मेरी कामना है। आप सबको दीपावली, भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देते हैं। SFMA एवं श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि पानीपत वासी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और परमात्मा इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और धन दाने से भरपूर रखे। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ पानीपत को खासतौर पर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गुरपुरब की सबको लाख लाख बधाई हो और मैं जन सेवा दल चमन गुलाटी जन सेवा दल की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जन सेवा दल पानीपत। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम एंड बालाजी परिवार की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये त्यौहार खुशियां लाए। अमरी सीयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पूरे हरियाणा वासी को तो दिवाली की शुभकामनाएं। ये त्यौहार पूरे हरियाणा वासियों की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए। फैशन गैलरी परिवार की ओर से दिवाली की सभी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए। सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आए और आप प्रगति के रास्ते पर इसी प्रकार से अग्रसर रहें। हमारा हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चहुमुखी तरक्की करे, इसी उम्मीद के साथ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। आइबिल पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी नगरवासियों को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य रहे। आप सब लोग बड़े हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मनाएं। मैं गौरव शर्मा, वार्ड नंबर 8 की ओर से सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये दीपावली का पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। IBM परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दीपावली दीपों का त्यौहार, पटाखों से दूर रहें, सुरक्षित दीपावली मनाएं, अच्छी दीपावली मनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल REPG कॉलेज पानीपत, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। ये पावन पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूँ कि हम प्रयास करें कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं। अपने बच्चों को हम ये समझाएं कि वो इस दीपावली पर पटाखों का प्रयोग ना करें। मैं जय कुमार बिंदल, MC वार्ड नंबर 5 पानीपत की ओर से सभी पानीपत नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये पर्व सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए। मैं सीनियर डिप्टी मेयर काजल बटला सभी नगरवासियों को भैया दूज, दिवाली, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये सभी त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, सभी शहरवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं
मैं कामना करती हूँ यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। मैं कपिल मल्होत्रा जन सेवा दल पानीपत से दिवाली की और गुरुपर्व की और भैया दूज की सब कुछ हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। मैं कृष्ण अग्रवाल, डायरेक्टर विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल, प्रधान पालिका बाजार एसोसिएशन। मैं अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपने पालिका बाजार एसोसिएशन की तरफ से अपने प्रदेशवासियों को और अपने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये दीपावली सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और हमारा प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, हमारा शहर पानीपत स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अग्रसर हो। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूँ कि ये दीपावली खुशियाँ लेकर आए। मैं ललित गोयल, एलके होंडा परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपके जीवन के अंदर मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए बहुत सारी, और आप खूब तरक्की करें, और आपको और पूरे शहरवासियों को मेरी ओर से एक बार पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेस परिवार की तरफ से पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस त्यौहार पर आपको बहुत अच्छी खुशियाँ मिलें, सभी शहरवासी बहुत अच्छे तरह से इस त्यौहार को मनाएं। सभी जिला वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, और ये त्यौहार सभी जिला वासियों के घरों में खुशियां लाए, और मैं सभी जिला वासियों को धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत दिवाली की बधाई देता हूं। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्म पत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं, और साथ ही यह भी आशा करती हूं कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश हो। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्कावासियों को दशहरा की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तौर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हलके के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक एक सिपाही जो है ना वो 20-25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हलके के अंदर चलाया हुआ है। मैं प्रवेश नैन, पार्षद 22 वार्ड, दिल अपने दिल की गहराइयों से और अपने सभी बाढ़वासियों को, सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से दीपावली खुशियों भरा त्यौहार है, आपके सभी परिवार में, सभी वार्ड में खुशियों भरा मौसम रहे, और हम ऐसे ही, जिस तरीके से आपने मुझे 5 साल तक आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद मेरे आपका बना रहे। धन्यवाद। राधे पांचाल, डायरेक्टर ऑफ राधे डांस स्टूडियो। मैं राधे डांस स्टूडियो की पूरी फैमिली की ओर से हरियाणा वासियों, पानीपत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। PCC एकेडमी के परिवार की तरफ से पानीपत के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप कोशिश करिएगा बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखिएगा, क्रैकर से थोड़ा सा दूर रखिएगा, और ये त्यौहार आपके लिए जीवन में मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं दीपावली में पूरी हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। राजीव परूथी, PCC अकेडमी, पानीपत। मैं रामचंद्र का जन्म, समस्त विकास नगर वासियों की तरफ से समस्त हरियाणा प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हरियाणा प्रदेश में खुशहाली हो। यमुना सुधार समिति की तरफ से दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और यमुना नदी में कार्तिक माह के नाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, मैं संदीप मलिक, फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। मेरी तरफ से समालखा और प्रदेश वासियों को दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय उनका बहुत ही बढ़िया हो, प्रदेश में खुशहाली हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संजीव कुमार, सभी जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लाए। नमस्कार, मैं संजीव मलिक, मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगर वासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं,
यह पर्व आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए। नमस्कार, ऑन द बिहाफ ऑफ स्मॉल वंडर आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ऑन दिस फेस्टिवल आई विश यू लॉट्स ऑफ लव लाइफ एंड लॉट्स ऑफ लाफ्टर। प्लीज बी सेफ एंड हैव अ हेल्दी दिवाली एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू। सभी शहर वासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को ख़त्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। मैं सुरेश वर्मा, महापौर नगर निगम पानीपत। मैं आप सभी जिला निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह त्यौहार आपके घर में खुशियाँ लेकर आए। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियो का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं, सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 9253342393।